मल्हारराव के भाई बंधुओं में तुकोजीराव होलकर एक विश्वासपात्र युवक थे। मल्हारराव ने उन्हें भी सदा अपने साथ में रखा था और राजकाज के लिए तैयार कर लिया था। अहिल्याबाई होलकर ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया। वैसे तो उम्र में तुकोजीराव होलकर अहिल्याबाई से बड़े थे, परंतु तुकोजी उन्हें अपनी माता के समान ही मानते थे और राज्य का काम पूरी लगन और सच्चाई के साथ करते थे। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह भी उन्हें पुत्र जैसा मानती थी। राज्य के कागजों में जहां कहीं उनका उल्लेख आता है, वहां तथा मुहरों में भी खंडोजी सुत तुकोजी होलकर इस प्रकार कहा गया है। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अलग अलग राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में अध्याय मौजूद हैं। चूंकि अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे, इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमाएं बनवाई हैं और उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाओं भी चलाया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड सरकार की ओर से भी चलाई जा रही है जो अहिल्याबाई होलकर को पूर्ण सम्मान देती है। इस योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना है। अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी पालन योजना के तहत उत्तराखंड के बेरोजगार बीपीएल राशन कार्ड धारकों महिलाओं व आर्थिक 6 के रूप से कमजोर लोगों को बकरी पालन यूनिट के निर्माण के लिए भारी अनुदान राशि प्रदान की जाती है। लगभग 1,00,000 रुपए की इस यूनिट के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 91,770 रुपए सरकारी सहायता रूप में अहिल्याबाई होलकर के लाभार्थी को प्राप्त होते हैं।